श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, मुझे ये पूछना था कि प्रकृति ही परमात्मा है या प्रकृति माया है? प्रकृति दोनों ढंग से आप समझ लीजिएगा जी। प्रकृति को माया भी कहा गया है जी, और प्रकृति को परमात्मा भी कहा गया है जी। जी, दोनों बातें ऋषि मुनियों ने अपने अपने ढंग से सिद्ध की हैं। इसी उलझन में पड़ा हूं मैं। तो आप ये समझो कि ये अधिक सत्य है कि ये प्रकृति, ये संसार ही माया है जी। ये बात है, ये लिखा है ना, शंकर जी कह रहे हैं, उमा कहाँ हूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, मतलब सब माया है, माया है, है ना। और भगवान भी कह रहे हैं गीता में, मम माया दुरत्तया, मेरी माया बड़ी प्रबल है, कौन बचेगा, जिसे मैं बचाऊंगा। भगवान कह रहे हैं जिसे मैं बचाऊंगा वो बचेगा, नहीं तो संभव नहीं। इसलिए संसार माया है, इसलिए संसार से बच के रहना है, भगवान की शरण में रहो जी। अब इसे ऐसे समझते हैं, जेल में दो लोग होते हैं, एक तो कैदी जी, दूसरा जेलर जी। अब आप बताइए कि जेल का जो कष्ट है वो जेलर को होता है कि कैदियों को? कैदियों को होता है, जबकि हैं दोनों जेल के अंदर जी, है ना। उसी तरह जो संसार के बन के रहेंगे, संसार हो गया जेल, जो संसार के बन गए वो तो कैदियों की तरह दुख पाएंगे, और जो भगवान के बन गए वो रहेंगे संसार में पर जेलर की तरह आनंद से रहेंगे। भगवान के बन जाओगे तो सुख है। इसी माया में दो लोग रहते हैं, एक सांसारिक और एक भगवान के भक्त। सांसारिक लोग रोते गाते रहते हैं, और भगवान के भक्त हर हाल में खुश रहते हैं ये सोच के सब माया, सब ईश्वर की लीला चल रही है। इसलिए भगवान के बन के रहोगे तो आप माया में भी रहोगे तो माया परेशान नहीं करेगी जी। अच्छा गुरु जी, मैं वीरवार का व्रत बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे एकादशी का जो व्रत होता है, तो क्या मैं वीरवार के व्रत को स्थापित करके और एकादशी का व्रत कर सकता हूँ मैं? हर हिंदू को, हर सनातनी को, कोई व्रत करे ना करे पर एकादशी तो करना चाहिए। एकादशी के लिए ये लिखा है कि आप एकादशी नहीं करते तो आपको पाप लगेगा, करते हैं तो पुण्य मिलेगा जी। एकादशी दो ही स्थिति में नहीं करना चाहिए जी। या तो आप छोटे से बच्चे हैं तो मत करो, और आप बहुत बुजुर्ग हो गए हैं तो मत करो, बाकी आप ठीक ठाक हैं तो कोई व्रत भले ना करो, एकादशी करो। यदि नहीं कर सकते तो फिर चावल ही मत खाओ, चावल तो मत खाओ उस दिन, द्वादशी के दिन चावल से व्रत पूरा होता है, पर एकादशी के दिन हम हिंदुओं का सर्वश्रेष्ठ व्रत है एकादशी, इसलिए करना चाहिए जी। गुरु जी, एक प्रश्न और था, आप दाढ़ी मूछ क्यों नहीं रखते हैं? आप कहें तो रखने लग जाएं। नहीं, सभी साधुजन रखते हैं इसलिए मैंने पूछ लिया। नहीं, आप आज्ञा दें तो मैं रख लूं। नहीं,